इतने तौर पे यो जाते महारानी और ले हाथों में तारे द्वार पे कोई रुपा नहीं लिया था, हम तुझे दान में एक भभूति दे के गए थे, हमें तो उस पुत्र के दर्शन करवा दे कि वो पुत्र है कैसा, किस प्रकार से। वो मिश्रानी बता रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो अगर कमी है, आपको भिक्षा लेनी है तो मेरे कोई संतान नहीं है, किस प्रकार से। और आइए 551 रुपए से ये तो मीरपुर टू मेरठ बस स्टेशन, भाई रोडवेज से हैं भाई अनुज भाटी जी और ललित भाटी जी, वो भी 551 से आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरा छोटा भाई भाई मप्पू मावी जी गावड़ी से, वो भी 20 रुपए से आशीर्वाद दे रहे हैं। दूसरी बात में क्या लिखा, महाराज हमें तो जीवन भर का रोना सुनने में हवेली रहती ना, कोई खेल खिलौना गुरु जी पर ना कोई खेल खिलौना, इस कारण से बाबा जी मेरी, इस कारण से बाबा जी मेरे, इस कारण से बाबा जी मेरा भरा रानी।
अगर तुम यूं डर रही हो कि मैं उस बालक को अपने साथ ले जाऊंगा तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे उस बालक की जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ उसके दर्शन करने हैं कि वो बालक कैसा है, किस प्रकार से। कह रहे हैं कि वो 12 साल बाद पुरानी जो है उसे याद कर, अगर तेरी समझ में ना आ रही हो तो मैं बताऊंगा किस प्रकार से। तीसरी बात के माध्यम से क्या लिखा, और हमारे बाबा जी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और बाबा जी का ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे। आइए तीसरी बात में क्या लिखा, ये बात मिश्रानी के, क्योंकि जब योगी महाराज अपनी कृपा अपनी शक्ति दिखाते हैं तो उस मिश्रानी की सारी बात याद आ जाती है। हाथ जोड़ करके और पैर पकड़ लेती है कि गुरु महाराज मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, क्या होगी। और आइए आदरणीय बड़े भाई रकम भाटी जी, वो भी 20 रुपए से आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा जी महाराज अपनी कृपा बरसावे और जो भी दुख दर्द है उन्हें अपनी शरण में ले। आइए लास्ट बात के माध्यम से किस प्रकार से क्या लिखा, और हमारे चाचा जी भी वो भी 20 रुपए से आशीर्वाद दे रहे हैं। और क्या लिखा वो कबीर जी, रानी द्वार पे रोकी
सच्चे दरबार की।